आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ। इस वीडियो में हम फिल्म शरारत के दो गानों का जायजा लेंगे। ये 1959 की मूवी है। इस फिल्म में एक गाना मोहम्मद रफ़ी ने गाया और दूसरा गाना किशोर कुमार ने गाया। इस फिल्म में लीड रोल में थे मीना कुमारी और किशोर कुमार, और म्यूजिक था शंकर जयकिशन का। तो आइए पहले सुनते हैं वो गाना जो मोहम्मद रफ़ी ने गाया। अजब है दास्तां तेरी ऐ जिंदगी, अजब है दास्तां तेरी ऐ जिंदगी। कभी हंसा दिया रुला दिया कभी, अजब है दास्तां तेरी ऐ जिंदगी। कभी हंसा दिया रुला दिया कभी, अजब है दास्तां तेरी ऐ जिंदगी। तो दोस्तों, ये था फिल्म शरारत में मोहम्मद रफ़ी के गाए हुए गाने का पहला हिस्सा, और अब हम शुरू करते हैं वो गाना जो किशोर ने इसी फिल्म के लिए गाया। हम मतवाले नौजवान मंजिलों के उजाले, लोग करें बदनामी कैसे ये दुनिया वाले। हम मत वाले नौजवान मंजिलों जाले, लोग करें बदनामी कैसे ये दुनिया वाले। करें भलाई हम बुरे बने खत्म, इस जहाँ की रीत निराली, प्यार को समझे हाय रे हाय सितम। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं फिल्म शरारत में मोहम्मद रफी के गाए हुए गाने का दरमियान वाला हिस्सा। कल खिलने न पाई थी के शाख ही उजड़ गई, अभी जरा कहते के हमसे प्यारी माँ बिछड़ गई। ओ आसमां बता, ओ आसमां बता दिया हमने था क्या, जो मिली ये सजा, जो मिली ये सजा। लड़कपन में ही ये दुनिया लुटी, अजब है दास्तां तेरी ऐ जिंदगी। कभी हंसा दिया रुला दिया कभी, अजब है दास्तां तेरी ऐ जिंदगी। तो दोस्तों, ये था फिल्म शरारत में मोहम्मद रफ़ी के गाए हुए गाने का दरमियान वाला हिस्सा, और अब हम शुरू करते हैं इसी फिल्म में किशोर कुमार के गाए हुए गाने का दरमियान वाला हिस्सा। हम धूल में लिपटे सितारे, हम जर्रे नहीं है अंगारे, नादा है जहाँ समझेगा कहाँ दवाचारे। जब जब धूम के निकले हम, जान के पड़ जाए लाले, लोग करें बदनामी कैसे ये दुनिया वाले। हम मत वाले नौजवान। तो दोस्तों, ये था फिल्म शरारत में मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार के गाए हुए गानों का छोटा सा जायज़ा। ये दो गाने कुछ इतना ज़्यादा मशहूर नहीं हैं। किशोर कुमार पर थे दोनों गाने, मोहम्मद रफ़ी का गाना भी और किशोर कुमार का खुद का गाया हुआ गाना भी। और मेरा ख्याल है कि रियल लाइफ में भी किशोर कुमार यही चाहता होगा कि उसकी अपनी आवाज़ की बजाय किसी तरह मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ उसके हलक से निकल आए, जिस तरह इस मूवी में उसके हलक से निकल रही है। तो आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। देखने का शुक्रिया।